बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ आयशा नवाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो रिमेनिंग लेवल्स थे, इससे पहले हम लोग एटम, मॉलिक्यूलर लेवल, देन सेल, ऑर्गेनेलिस, ये सारे स्टेप्स पढ़ चुके हैं। जो रिमेनिंग लेवल्स थे उनमें हमारे पास आता है इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर। तो आज हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल की। कल हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो थे, जब एक ऑर्गन जो है वो डिफरेंट अपने ऑर्गन्स के साथ, ऐसे ऑर्गन जो जिनका काम एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, उसके साथ जब कंबाइन करता है तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। अब वही जो ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब एक ही सेटअप में, एक स्ट्रक्चर में रखे जाते हैं, तो वह एक इंडिविजुअल का काम करते हैं। डायग्राम में आप देखें कि जब सारे ऑर्गेनिज्म एक सारे जो है वो ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर चुके हैं, तो वो एक पूरा आपके पास फुल फ्लेज एक ऑर्गेनिज्म बन गया हुआ है। जस्ट लाइक आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके पास जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड सो ऑन। ये सारे जो सिस्टम है जब आपके साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, और इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल हो जाएगा। अगर आप बर्ड्स देखते हैं, ये एक बर्ड है आपके पास, ठीक है, एक बर्ड है, आप देखें कि ये भी एक इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहा है। अगर आप एक देखेंगे ह्यूमन बीइंग को, तो वो भी क्या है, हमारे पास एक इंडिविजुअल है। तो ये कंप्लीट फुल फ्लेज फॉर्म में एक इंडिविजुअल बन चुका हुआ। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन लेवल की। पॉपुलेशन आप किस तरह से देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आता है एक स्पीशी लेवल, मतलब एक स्पीशी। स्पीशी एक ऐसी टर्म है जहाँ पे जो इंडिविजुअल है एक जगह पे रहते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, सेम फूड होती है और सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशी। तो जब एक स्पीशी जो है एक हैबिटेट में रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। स्पीशीज मिलके क्या बना देती हैं, पॉपुलेशन। हमारे पास स्पीशीज जो हैं, स्पीशी ऐसे इंडिविजुअल जो एक ही जगह पे रहते हैं, सेम प्लेस पे, ठीक है, और सेम ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीडिंग के बाद प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मिलके क्या बना देते हैं, एक पॉपुलेशन लेवल। एक उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। हम अपनी एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम एक जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, एक पॉपुलेशन, ठीक है। वी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। देन हम मूव करते हैं कम्युनिटी लेवल की। कम्युनिटी लेवल को अगर हम देखते हैं तो जब डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन हो जाती है ह्यूमन बींग्स की, देन हम बात करते हैं कैट पॉपुलेशन है, डॉग पॉपुलेशन है, मतलब डिफरेंट जो है वो पॉपुलेशंस एक ही जगह पे रह रही हैं, ठीक है, और सेम टाइम में सेम स्पेस पे रह रही हैं, तो वो क्या बनाती हैं, एक कम्युनिटी लेवल। अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में एक जगह है, ठीक है, मतलब एक आप बात कर सकते हैं फॉरेस्ट की, ठीक है, एक फॉरेस्ट है, आपको ये फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें डिफरेंट आपके पास पॉपुलेशंस हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह पे रह रही हैं और सारी मिलके क्या बना रही हैं, कम्युनिटी। तो इस लेवल को हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी लेवल। एट द एंड हम देखते हैं बायो, वर्ड बायोस्फीयर। वर्ड आप देखेंगे बायो, तो बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, और स्फीयर अगर आप बात करते हैं तो स्फीयर का मतलब होता है स्पेस। बायोस्फीयर मतलब के रहने की जगह, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे डिफरेंट कम्युनिटीज एक जगह पे रह रही हूं, ठीक है, और सारी मिलके एक बायोस्फीयर बनाती हूँ। अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपके पास एनिमल्स भी हैं, ठीक है, आपके पास कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लस में हैं, सॉरी, अगर आप देखें
वीडियो क्लिप आप देखें तो वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं कि आपके पास कुछ एनिमल्स हैं जो कि हवा में उड़ रहे हैं, कुछ आपके पास जो हैं वो ज़मीन पे हैं, और कुछ आप देखते हैं कि आपके पास किस में हैं, पानी में। तो एनिमल्स डिफरेंट स्पेस जो है प्लेसेस पे रह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कम्युनिटी उनकी जो है वो वाटर में है, कुछ जो है वो उनकी कहाँ पे है, लैंड पे है, कुछ एयर में है, ठीक है। और ये मिलके सारे एक जगह पे रह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, एक बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर में आप ये भी देखते हैं कि बायोस्फीयर में आपके क्या होता है कि जो होता है लिविंग चीज़ों का इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जस्ट लाइक रोशनी है, लाइट है, जस्ट लाइक सॉइल टेम्परेचर। तो ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं, लेकिन आपका इन्वायरमेंट इस चीज़ पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप इस जगह पे रह रहे हो, ठीक है। तो जिस जगह पे रह रहे हैं, अगर हम डायग्राम में देखें, डायग्राम में एक सर्कल सा है, ग्रीन सर्कल सा है, उसको हम क्या कहते हैं, ये जोन ऑफ लाइफ है। क्या है? जोन ऑफ लाइफ, ठीक है। ये जोन ऑफ लाइफ है, मतलब कि यहाँ पे जिंदगी जो है उस एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। तो ये था बायोस्फीयर, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का इंटरेक्शन होता है और सारी एक जगह पे रहती हैं, ठीक। ये इनकी लिविंग स्पेस होती है। आज हम लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, ठीक। हमारा ये सारा जो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एट द एंड हम इस सबको समराइज करेंगे और देखेंगे क्या था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा। अब हम इस जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको समराइज करते हैं और देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। सबसे पहले हमने एटम पढ़ा, ठीक है। एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स, ठीक है। जब वो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं तो सेल के ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ठीक। ऑर्गेनेल्स जो हैं वो जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनेल्स को हमने कहा था लेबर, डिवीजन ऑफ द लेबर, मतलब कि उन्होंने अपने काम बांटे होते हैं और वो क्या करते हैं, सेल में सारे ऑर्गेनेल्स मिलके सेल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेल बन जाता है। सेल से हम कहाँ पे जंप करते हैं, सेल से हम क्या बना देते हैं, टिश्यू लेवल। टिश्यूज जो है एक जैसे सेल मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास टिश्यूज। जब एक जैसे टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंट टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन। ऑर्गन जस्ट लाइक नोज है, ईयर है, स्टमिक को हमने पढ़ा था, स्टमिक की एग्जांपल ली थी, ठीक। तो एक ऑर्गन बनता है। अब ऑर्गन के साथ जिनका काम रिलेट करता है उसको हम ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं। हमने स्टमिक की एग्जांपल ली थी, क्या था कि हमारे पास ओरल कैविटी थी, ओरल कैविटी से स्टमिक था, स्टमिक से लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एट द एंड फीकल प्रोडक्ट्स हमारे वेस्ट में चले जाते हैं। देन ये हमने पढ़ा था किसका, ऑर्गन सिस्टम। मतलब ये कि एक सारा ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ऑर्गन सिस्टम जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करते हैं तो इनको एक फ्रेम में रखा जाए तो वो एक इंडिविजुअल पूरा कहलाता है। जस्ट लाइक हम लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल लेवल, मतलब हमारे पास था डाइजेस्टिव सिस्टम है और था नर्वस सिस्टम एट्सेट्रा। तो ये सारे सिस्टम जब इकट्ठे किए जाते हैं एक जगह तो उसको हम क्या कह देते हैं, इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल जब इंडिविजुअल जो हैं वो सेम जगह पे, सेम प्लेस पे रहते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसको हमने कहा क्या कह दिया, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल से नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मूव करते हैं टूवर्ड्स द कम्युनिटी। पॉपुलेशन लेवल में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो है वो डिफरेंट जो है वो इंडिविजुअल एक प्लेस पर रहते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन से आगे हमने देखा था कम्युनिटी, जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं जब वो एक जगह पर रहने लग जाएँ तो वो कम्युनिटी बनाती हैं, और कम्युनिटी डिफरेंट कम्युनिटीज जब एक जगह पर रहती हैं तो वो बायोस्फीयर कहलाती हैं। तो ये थी, तो ये थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनको हमने पढ़ा था। यही तक था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।